प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में पार्टी का बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या बयान दे दिए हैं और विपक्षी गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा अखिलेश यादव का फैसला आया इस वीडियो में, बड़ी न्यूज निकल के आ रही है मंगलवार को, जो कि मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर सरकार पर निशाना साधा और सवाल मतलब उठाए भी है। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक में जाने की भी बात कर दी है। अब कहानी यह कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की और लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन का संकेत दे दिया। उन्होंने दिल्ली में प्रशासन मामले में जुड़े विवाद में केजरीवाल का समर्थन कर दिया। इसके साथ ही पहलवानों के विरोध पर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने साफ कर दिया कि 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, प्रचार अभियान की कमान खुद संभालेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे या इलेक्शन भी लड़ेंगे, उन्होंने कहा हम दोनों काम करेंगे और राजनीति में खाली क्यों बैठना, यही सीखा है और यही करते रहेंगे। उड़ीसा हादसे पर पूर्व सीएम ने कहा कि ट्रेनों में इतने मॉडर्न पार्ट लगे हैं, कवच की बात की, लेकिन यह कवच नहीं बल्कि बीजेपी की छल और कपट है। जिसको नौकरी मिलनी थी उन्हें सिक्योरिटी के लिए काम नहीं मिला। अखिलेश ने आगे कहा कि जंतर मंतर पर बेटियां धरने पर बैठी रही हैं और बीजेपी वाले देखते रहे सुनते रहे। सिर्फ एक नहीं कई मामले आए जहां सरकार भेदभाव से काम कर रही है। बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से प्रस्तावित मुलाकात के सवाल पर अखिलेश ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी यह पता नहीं है कि किन बिंदुओं पर चर्चा होगी। अभी 12 जून का कार्यक्रम नीतीश के नेतृत्व में विपक्ष की बैठक भी आगे बढ़ा दी है। मैं बिहार जाऊंगा, केजरीवाल से मुलाकात में क्या रूपरेखा होगी और क्या बातचीत होगी यह कह पाना मुश्किल है। अखिलेश ने कहा कि यह यात्रा अपनी जनता के सामने चुनौती क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह रथ यात्रा लोक जागरण कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। थाने में जाकर एक सांसद पुलिस की पिटाई कर रहा है, जनता के सामने चुनौती है, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ रही है। बता दें कि जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सपा यूपी में लोक जागरण यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत लखीमपुर खीरी से हो चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से बहुजनों की आवाज़, जिस तरह से जातिगत जनगणना, ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज के लिए एक मुश्त होकर जो जितने आरक्षण के मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना चाहे सरकारी संस्थाएं को प्राइवेट किया गया उसका मुद्दा हो, तमाम उन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव जागरण यात्रा करके पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर रथ यात्रा निकालकर संदेश देना चाह रहे हैं कि बहुजन आए समाजवादी पार्टी की तरफ से। जितने भी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं सपा का सपोर्ट करें 2024 में, भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता से बेदखल करे थे। इस तरह का रणनीति अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। बाकी गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल मिलने आ रहे हैं, अध्यादेश के ऊपर बात होगी, नीतीश कुमार से मिलने अखिलेश यादव जाएंगे। स्पष्ट कर दिया, कह दिया कि जैसे ही डेट 12 जून से आगे बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा नीतीश कुमार से पटना में जरूर मिलने जाएंगे और विपक्ष की जो गठबंधन की एक मुफ्त बैठक होने वाली उसमें शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।